इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप रेगुलर क्वेश्चंस देखें और इनकी प्रैक्टिस भी करती रहे। इसके अलावा एनसीईआरटी जो है वो आप ढंग से पढ़ें। अगर आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन ढंग से पढ़ते हैं तो कोई भी आपको अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकता। आप 90 अबव मार्क्स जरूर लाएंगे। तो रिफ्रेशर्स जो भी रेफरेंस बुक्स हैं वो जरूर यूज करें, लेकिन अपनी एनसीईआरटी को पहले पक्का करें। तो हम शुरू करते हैं। आज हम सारे कुछ 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उस पे करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द ग्लेशियर एसिटिक एसिड। हाँ, इसका आंसर बहुत से बच्चों से पूछा मैंने, तो वो कहते हैं कि ग्लेशियर एसिटिक एसिड जो है जो सर्दियों में जम जाता है। नहीं, ये अगर क्वेश्चन ये आए कि ग्लेशियर एसिटिक एसिड को डिफाइन कीजिए या हम एसिटिक एसिड को ग्लेशियर एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं, तो हमें ये आंसर लिखना है। लेकिन मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज द ग्लेशियर एसिटिक एसिड। तो ग्लेशियर एसिटिक एसिड मतलब प्योर फॉर्म, 100% जो प्योर एसिटिक एसिड होता है उसी को ग्लेशियर एसिड कहते हैं। क्लियर है? देन जो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज द एटॉमिक साइज वेराई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। एक पीरियड के अंदर जो साइज है वो कैसे चेंज होती है? तो हमें पता है अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियोडिक टेबल में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो साइज स्लाइटली डिक्रीज होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सोलर कुकर इज पेंटेड ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड। उसको बाहर से बाहर से सोलर कुकर को ब्लैक पेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि ब्लैक जो है वो क्या है कि उसको हीट को एब्जॉर्ब कर देगा, तो मैक्सिमम हीट का एब्जॉर्प्शन कर लेता है, ठीक है ना? जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आंसर देना है, हमें ज्यादा नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज एज अ रिफ्लेक्टर। सोलर कुकर के अंदर एज अ रिफ्लेक्टर कौन सा मिरर यूज होता है? प्लेन मिरर यूज होता है। नेक्स्ट, गिव वन लिमिटेशन ऑफ सोलर कुकर। सोलर कुकर की एक लिमिटेशन मतलब कहां वो उसकी कमी क्या है? तो जनरली हम उसको रात में यूज नहीं कर सकते, तो इट कैन नॉट यूज ड्यूरिंग नाइट या क्लाउडी डे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ ट्रॉपिकल मूवमेंट। ट्रॉपिकल मूवमेंट क्या होता है? ट्रॉपिकल मूवमेंट प्लांट्स के अंदर होते हैं जिनमें भी की डायरेक्शन होती है। तो फोटोट्रॉपिज्म के अंदर रूट की जो फोटोट्रॉपिज्म है उसकी क्या डायरेक्शन होगी? जो रूट की फोटोट्रॉपिज्म, रूट के अंदर अगर फोटोट्रॉपिज्म होता है तो वो फोटोट्रॉपिज्म नेगेटिव होता है, उससे दूर जाता है। तो जो पॉजिटिव कब होगा? जब लाइट की तरफ मूवमेंट हो रहा है। जब लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एक ऐसे हार्मोन का नाम बताइए, नेम द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। कौन सा है ऐसा हार्मोन जो फोटोट्रॉपिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? जैसे कि सनलाइट जिधर होती है प्लांट उसी तरफ, या जो स्टेम्स है जो फ्लावर्स है वो उसी तरफ झुक जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सिन हार्मोन। क्लियर है? नेक्स्ट है, बाइफोकल लेंस आर यूज टू। किसके लिए यूज होता है बाइफोकल लेंस? हाँ, जिसमें दोनों ही, यानी प्रेस बायोपिया। देन द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई इज, ह्यूमन आई पे, आई की रेटिना पे किस तरह की इमेज बनती है? तो बनती है रियल और इनवर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स से है, जिसमें आपको दे रखा अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट इन 16 सेकेंड वॉट वुड बी रफली। क्वेश्चन कह रहा है, वापिस से समझिए, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट। एक फिलामेंट के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट इन 16 सेकेंड,
16 सेकंड के अंदर उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव होंगे वो हमें फाइंड करना है। ये हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि I इज इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास Q बाई टी, यानी Q इज इक्वल्स टू हो गया आई टी। अगर हम Q का एक फॉर्मूला और लिखे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ne भी लिख सकते हैं हम, और ये हो जाएगा आई टी। टी आपको दे रखा है 16 सेकेंड, करंट आपको दे रखा है 1 एम्पियर, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करने हैं, और इस e का मतलब होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, जो कि यहां अपॉन में आ जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹। ये पॉइंट हटेगा, ये हो गया 10, ये 16 से 16 गया, यानी आपके पास क्वेश्चन में यही पूछा है कि इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने होंगे, तो वो हो जाएगा 10⁻²० ठीक है, यही आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट, जो ट्रॉपिक लेवल के अंदर है इकोसिस्टम उस वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली बच्चे रॉन्ग कर देते हैं कि वो प्लांट्स को बता रहे हैं, एनिमल्स को बता रहे हैं, नहीं, वो बताते एनर्जी लेवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ GAP यानी GEP की फुल फॉर्म गंगा एक्शन प्लान, ठीक है। अब नेक्स्ट एक फिर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इफ द करंट आई थ्रो अ रेजिस्टर इज इंक्रीज बाय 100%, यानी अगर करंट 100% इंक्रीज हो रही है, एंड अपने को ऐसा अज्यूम करना है, क्वेश्चन में दे रखा है द टेम्परेचर रिमेन अनचेंज, द इंक्रीज इन पावर डिसेप्टेड विल बी, यानी पावर में इंक्रीज का परसेंटेज क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इसका भी सॉल्यूशन देखो हम आपको बता रहे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में अपने को पावर निकालनी है, तो P का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I स्क्वायर R। तो स्टार्टिंग के अंदर जो करंट थी, अगर अपन मान लेते हैं I थी, तो बाद में करंट कितनी इंक्रीज हुई, 100% इंक्रीज हुई, यानी बाद में करंट कितनी हो गई, तो ये 100% ऑफ I, यानी जो स्टार्टिंग में है उसका, तो 100% परसेंट हटेगा तो अपॉन में 100, और ये I अब इंक्रीजिंग, यानी I डैश कितना हो गया हमारे पास 2I हो गया। तो हमारे पास पहले जो पावर थी वो कितनी थी, पी आई स्क्वायर आर, और जो अब नई पावर हो गया वो कितना हो गया, आई स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ये 2I² R, तो ये हो जाएगा 4I² R। ये पूछ रहा है इंक्रीजिंग परसेंटेज बताना है, तो इंक्रीज कितना हुआ, ये है 4I² R और ये I² R, तो इंक्रीज दोनों में डिफरेंस कितने का 3I² R, और इनिशियली हमारे पास कितना था I² R, परसेंट निकालना है तो इनटू क्या हो जाएगा 100, यानी पावर कितना परसेंट बढ़ी, 300% बढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन बन सकता है, NaOH का जो फॉर्मेशन है वो किसके इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है, तो आपको ध्यान में रखना है इट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस ब्राइन सॉल्यूशन, और ब्राइन सॉल्यूशन होता है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें जो ब्राउन गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग ऑफ कॉपर नाइट्रेट, जो कॉपर नाइट्रेट जो नाइट्रेट है अगर उसको हीट किया जाए तो उसमें जो ब्राउन गैस निकलती है, एक्चुअल में वो कौन सी गैस होती है, O2 होती है, N2 होती है, NO2 है या NO, तो आंसर इज NO2। देन सिलिकॉन जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड्स, ना तो मेटल है ना नॉन मेटल है, इट इज अ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेवियर करते हैं। देन नेक्स्ट जो है व्हाट वाज चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन क्या है, चिपको का मतलब होता है यूज, तो आप आंसर भी इसी तरह से लिखेंगे, चिपको दैट मीन्स यूज, सॉरी चिपको मीन्स हग, तो ये हग किया था विलेजर्स ने प्लांट्स को, जो कि ट्री के कटिंग को रोकने के लिए किया था, तो आपको लिखना है द हग एंड मूवमेंट जो किसके थ्रू हुआ था, विलेजर्स के थ्रू हुआ था, और कहां ये हुआ था, वेयर डज इट स्टार्ट, तो ये स्टार्ट हुआ था रानी विलेज ऑफ गरार।
और इसका इम्पैक्ट क्या है तो हम बता सकते हैं। एनवायरमेंट के लिए क्या है, यूजफुल। प्लांट्स की कटिंग रुक गई थी तो एनवायरमेंट के लिए क्या है, यूजफुल था। इसके अलावा ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको ऐसे दो एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जो कि एल्कलाइन मेटल है। एल्कलाइन मेटल होते हैं कौन कौन से, सोडियम है, पोटेशियम है। ये भी बनते हैं क्वेश्चन कि हमें ऐसे एलिमेंट्स के नाम, या आपको एक टेबल दे दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि उसमें से ऐसे आप एलिमेंट्स को पिकआउट कीजिए जिनकी वैलेंसी 4 है। तो हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, और अगर उसमें दे रखा है तो ठीक, नहीं तो आप कार्बन फैमिली यानी सिलिकॉन की जो है उसकी भी वैलेंसी कितनी होती है, 4। आर नियर एंड फार पॉइंट्स ऑफ यंग पर्सन नॉर्मल लाइफ क्या होती है, नियर और फार पॉइंट। नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट है उसका इनफाइनाइटली। देन नेक्स्ट जो है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द वेरिएशन इन एयर डेंसिटी। जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी में वेरिएशंस की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। देन नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन और प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। अगर हम स्टीम को आयरन के साथ रिएक्ट कराएं तो हमें जो ऑक्साइड मिलेगा वो होगा Fe3O4। इसके अलावा और भी, ये तो थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन और ये तो अभी बहुत कम हुए हैं। अगर आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।